confidential material in teaching is one of a very important topic which need to be discussed uh, let me give you an example first before we formally talk about what does this topic means to say जब हम मेडिकल प्रैक्टिस देखते हैं वहाँ पर हम अक्सर ये महसूस करते हैं कि जो बहुत क्लासिकल किस्म की मेडिकल कंडीशंस के साथ केसेस आते हैं डॉक्टर्स उनको उन प्रोसीजर्स को उन कंडीशंस को रिकॉर्ड करते हैं और मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी टीचिंग और ट्रेनिंग की प्रैक्टिस के अंदर उन केसेस की हेल्प से उस प्रॉब्लम के बारे में लर्न करते हैं लेट्स से इफ़ वी टॉक अबाउट जस्ट अ सर्जरी ऑफ वोकल नोड्यूल्स एक वोकल नोड्यूल्स की सर्जरी जब करते हैं उसमें डिफरेंट तरह की प्रेजेंटेशंस होती हैं वोकल नोड्यूल्स की जो हार्शनेस ऑफ वॉइस क्रिएट करती है अगर कोई बहुत ट्रेडिशनल किस्म का ऐसा केस आ जाता है जिसमें वोकल नाड्यूल्स बहुत डिफरेंटली प्रेजेंट हो रहे होते हैं और वॉइस की हार्शनेस एक यूनिक तरह से हो रही होती है तो डॉक्टर्स उसको रिकॉर्ड करते हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और टीचिंग पर्पस के लिए उनको दिखाते हैं कि ये एक रेयर प्रेजेंटेशन है और इस तरह की प्रजेंटेशनस जो हैं वो आपकी लर्निंग का सोर्स हैं कि आप लर्न कर सकते हैं कि इस तरह के सिम्टम्स जो हैं उसको हमने कैसे ट्रीट करना इसी तरह जैसे हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं साइकोलॉजी की साइंस में भी हमें ऐसे केसेस दिखाई देते हैं जहाँ पर कुछ इस तरह के सिम्टम्स और प्रजेंटेशन होती हैं जो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग और उनके लिए एक इंफॉमेशन का सोर्स हो सकती है सो so, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को थेरेपस्ट uh, या साइकोलॉजी के टीचर्स जो हैं वो एक टीचिंग मटेरियल के लिए भी यूज़ कर सकती हैं जिसमें ये बताया जा सके कि इस तरह के प्रॉब्लम की जो सिम्टम्स हैं उनकी मैनिफेस्टेशन किस किस तरीके से मुमकिन हो सकती है

जैसे हम अक्सर किसी फॉर्म पे देखते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि ये टीचिंग पर्पस के लिए ये इंफॉर्मेशन यूज़ हो सकती है इसका मतलब ये होता है कि हम कंसेंट दे रहे हैं कि येस दिस इंफॉर्मेशन दिस रिसर्च रिकॉर्ड और दिस डाटा कुड बी शेयर्ड विद अदर्स सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट बट नॉट फॉर ऑल द केसेज कंसेंट इज नेसेसरी वेन अडाप्टिंग वीडियो टैप और ऑडियो टैप्स डिटेल्स समरी ऑफ केस मटीरियल और अदर अकाउंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल मटीरियल नॉट अदरवाइज़ इन द पब्लिक डोमेन अगर कहीं पर हमें लगता है कि कोई ऑडियो टेप नहीं हो रहा वीडियो टेप नहीं हो रहा कोई बहुत ज़्यादा डिटेल उसकी जो हिस्ट्री है उसके कोई चार्ट्स या पोस्टर्स या उसकी कोई माइम की सूरत में मैनीफेस्टेशन डिस्प्ले नहीं किया जा रहा वहाँ पर जनरली uh, हमें इंफॉम uh, कंसेंट की ज़रूरत होती है अदरवाइज अगर सिर्फ एक केस uh, जो है उसको विदाउट आइडेंटिफिकेसन विदाउट लेबलिंग विदाउट प्रोवाइडिंग द्रैक्ट थिंग डिस्कस किया जा रहा है सिर्फ बताने के लिए कि इस तरह के सिम्टम्स होते हैं देन टीचिंग पर्पज के लिए कोई इनफॉर्म कंसेंट यहाँ पर लेना जरूरी नहीं होता बट दिस केस इज नॉट दैट सिंपल दिस बिकम्स स्पेशली इंपॉर्टेंट वेन द नेचर ऑफ द मटीरियल दैट इज विजुअल रिप्रोडक्शन और रिकोगनाइजेबल फैक्ट्स माइट मेक इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट लेट्स एब एक क्लाइंट है जिसके जिसके हम स्टूडेंट्स uh, को टीचिंग पर्पस के लिए दिखाना चाह रहे हैं कि किस टाइप के फिट्स पढ़ सकते हैं या किस टाइप के टाइप के सीजर्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं और उनको हम कैसे एक एपिलेप्टिक सीजर से डिफ्रेंट कर सकते हैं जो सिम्टम्स uh, हैं उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कैसे होगी तो वहाँ पे ये देखना कि आप क्लाइंट जो है उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो ना हो सके उसकी फेस की आइडेंटिफिकेशन ना हो सके और उसके अलावा उस वीडियो में जो बाकी का मटेरियल है वो किसी भी तरह आइडेंटिफाइबल ना हो कि बाकी लोग उसको देख के ये समझ सकें कि ये इंडिविजुअल कौन है जिसको इस वीडियो में प्रेजेंट किया जा रहा है फॉर्मल कंसेंट में नॉट बी नेसेसरी इफ डिस्गाइजिंग द मटेरियल मेक्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट इम्पॉसिबल एज आई जस्ट द चांसेज ऑफ हैविंग अ रिलेटिव फ्रेंड एक्वेंटेंस अलीग ऑफ अ क्लाइंट इन द ऑडियंस इज नॉट एज स्मॉल एज वन माइट इमेजिन जनरली दिस वर्ल्ड इज अ वेरी स्मॉल प्लेस और उन वीडियोज में Uh, अगर कोई भी ऐसी आइडेंटिफिकेशन या कोई भी ऐसी सिमिलरिटी या उसका वेन्यू या उसका प्लेस या उसकी क्लोथिंग ऐसी है जो कि कोई भी देखने वाला रिलेटिव कोई फ्रेंड उसको आइडेंटिफाई कर सकता है दैन दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिलीविंग रिलीविंग अ कॉन्फिडेंस और शेयरिंग इंटीमेट डिटेल्स ऑफ द क्लाइंट्स पर्सनल लाइफ इज रिकोगगनाइजेबल फैशन में हैव दिवास्टिंग इफेक्ट्स अगर किसी को भी ये चीज़ पता चल जाए कि इस क्लाइंट के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं और उसको इस तरह के फिट्स बढ़े हैं या उसके इतने एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स हैं और उसको आइडेंटिफाई करने दूसरे लोग तो ये उसकी लाइफ के लिए उसके करियर के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम या बहुत बड़ा थ्रेट बन सकते हैं वन इन डाउट हाउ एवर थेरेपस्ट शुड रिव्यू द मेटीरियल विद अ कोलीग टू इंश्योर दैट सम आइडेंटिफाइंग फैक्ट्स हैव नॉट इनएविडेंटिवली इस्केप्ड अटेंशन इस तरह के मटेरियल्स को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ डिस्कस करके पीयर रिव्यू करके हम इनको पब्लिक कर सकते हैं इनको स्टूडेंट्स के सामने ला सकते हैं अदरवाइज इसके साथ बहुत सारे एथिकल और कॉन्फिडेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं लाइक वाइज वन शुड डिलीट एनी सच फैक्ट दैट माइट हेल्प टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट वाई नॉट एडिंग मीनिंगफुल डिटेल टू द एग्जाम्पल यानी आपने उससे रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो है उसको चेंज कर देना है अभी हम अगली स्लाइड्स में ये भी बात करेंगे कि उन इंफॉर्मेशन में से कितनी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं और कितनी इन्फॉर्मेशन जो है उसको हमें हाइड करना इंपॉर्टेंट होता है सो दैट दैट स्पेसिफिक क्लाइंट इवन मे नॉट बी रिकॉग्नाइजेबल टू अदर पीपल नो मैटर वी आर प्रजेंटिंग द केस फॉर द टीचिंग पर्पजेज